आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होने और मांग बढ़ने से मक्के की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस कारण अब कई देश टूटे चावल की खरीद कर रहे हैं। अचानक टूटे चावल की मांग बढ़ने से इसके रेट में भी इजाफा हुआ है और यह 2100 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। दरअसल पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मक्के की मांग काफ़ी बढ़ी है। वहाँ पर इसका इस्तेमाल मुर्गियों और मवेशियों के चारे के रूप में होता है। दाम बढ़ जाने के कारण यहाँ पर अब टूटे चावल का वैकल्पिक रूप में उपयोग किया जा रहा है। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया और गल्फ देशों में भारी मात्रा में मक्के की डिमांड आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस कारण इंडोनेशिया और वियतनाम के आयातक टूटे चावल की मांग कर रहे हैं। खरीफ सीजन के समय का मक्का खत्म हो गया है। जो थोड़ा बहुत है वह MSP के 1870 रुपये क्विंटल के मुकाबले 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। दुनिया के कुल मक्का निर्यात का 16% हिस्सा अकेले यूक्रेन का है। युद्ध के कारण निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसका असर कीमतों पर साफ देखा जा रहा है। अभी भी मक्का की कुछ किस्मों का निर्यात वियतनाम और इंडोनेशिया को किया जा रहा है। वहीं ट्रक के जरिए सड़क मार्ग से बांग्लादेश को भारी मात्रा में मक्के का निर्यात किया जा रहा है। एक्सपोर्टर्स काफ़ी सीमित मात्रा में ऑर्डर ले रहे हैं, क्योंकि माल की उपलब्धता और ट्रांसपोर्ट की काफ़ी समस्या है। मक्के के भाव के बराबर टूटे चावल की कीमत हो गई है। मांग बढ़ने के बाद इसकी भी उपलब्धता में कमी आई है। भारत के हाल ही के कुछ वर्षों में चीन और वियतनाम को टूटे चावल का निर्यात करता रहा है, लेकिन इस बार उपलब्धता में कमी के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है और मांग बढ़ती जा रही है। युद्ध के कारण भारत के लिए फायदे की स्थिति बन पड़ी है। पहले चीन, नीदरलैंड और साउथ कोरिया जैसे देश यूक्रेन से निर्यात करते थे। युद्ध की शुरुआत के बाद उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं रहा है। वहीं भारत के पास इन देशों को आसानी से निर्यात करने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है। ऐसे में यहाँ के निर्यात इस मौके का लाभ उठा रहे हैं। इस स्थिति का फायदा किसानों को भी हो रहा है और उन्हें उपज का बेहतर दाम मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।